नमस्कार दोस्तों, जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नित नेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। ये कहानी सीता माता रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता बोली, भगवान मेरे 12 वर्ष का नित नेम का नियम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित नेम सुनने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वहां से चली गई। घर पहुंचते पहुंचते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोली, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माताजी मैं भी हैरान हूँ, ये कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही हूँ पर कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया, शायद ये उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ सीता माता बैठी मिली और बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वो स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ आपने ये कैसे किया। सास बोली, बहू तू तो दोष लगाकर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। वो स्त्री जो तुझे मिली थी वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माताजी कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आंच तो दे दो। सास बोली, आंच तो हमने अभी नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही थी। तो सास बोली, सुबह उठकर हम सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, ये कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, अब ये सीता माता की नित नेम की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भी भर दिए। हे सीता माता, जैसे उनके भंडार भरे, इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते, सभी के भंडार भरना। जय माँ सीता।